आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमिटेड के लैंडलाइन के 671वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कानून की देवी के बारे में। कानून की देवी जो आंख पर पट्टी बांधे रहती थी, अंततः हट ही गई। कानून की देवी, न्याय की देवी की आंखों पर बंधी 400 साल पुरानी काली पट्टी। आजादी के 8 दशकों बाद भी गुलामी के प्रतीक चिन्हों इमारतों को कब तक ढोते रहेंगे हम। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है लिमटी की लालटेन के 671वें एपिसोड में। भारतीय न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलने लगे। देश की शीर्ष अदालत में न्याय की देवी, जो मूलतः जस्टिया की प्रतिकृति मानी जाती है, का स्वरूप अब बदल गया है। जस्टिया कौन है, हम आपको बाद में बताएंगे। इस प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल गई है और उसके हाथ में तलवार स्वार्ड हुआ करती थी। तलवार का स्थान अब संविधान की किताब, संविधान की पुस्तक ने लिया है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा ये परिवर्तन कराया गया है। इस प्रतिमा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पुस्तकालय जहां पर है वहां पर लगाया गया। इसका तात्पर्य लगाया जा सकता है कि कानून अब अंधा नहीं रहा। इस प्रतिमा में पूर्व की तरह तराजू अभी भी विद्यमान है। पूर्व में न्याय की देवी को लेकर एक अवधारणा हुआ करती थी कि कानून की देवी की आंखों में पट्टी के ये मायने लगाए जाते थे कि कानून सभी के लिए बराबर एक सा व्यवहार करता है। इस तरीके के पहले मायने लगाए जाते थे। हाथ में तलवार फाड़ का मतलब था कि कानून अपने अधिकारों का उपयोग कर गलत काम करने वालों को सजा देने में सक्षम है। इसके अलावा तराजू को संतुलन का प्रतीक माना जाता था। तराजू में दो बल्ले होते हैं, दोनों बराबर अगर होंगे तो ही सही माना जाता है। आगे पढ़ने के पहले हम आपको कानून की देवी की प्रतिमा के इतिहास के बारे में अवगत कराना चाहेंगे। कहा जाता है कि न्याय या न्यायालयों में जिस कानून की देवी को आप और हम देखते हैं, वो मूलतः यूनान की देवी, इनका नाम जस्टिया है। यहीं से जस्टिस शब्द की उत्पत्ति भी बताई जाती है। इतिहास को अगर आप खंगाल लेंगे तो एक इतिहास खंगालने पर ये पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में इस प्रतिमा को कोई अंग्रेज अफसर जो न्याय व्यवस्था से जुड़ा था 17वीं शताब्दी में, वो इस प्रतिमा को पहली बार भारत लेकर आए थे। इसके लगभग 100 सालों के बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है। आजादी के उपरांत भारत ने इस प्रतीक चिन्ह को अपनाया। उस दौरान आंख पर पट्टी बंधी होती थी, जिसका तात्पर्य ये निकाला जाता था कि न्याय की देवी सदैव निष्पक्ष होकर न्याय करेंगी, ना कि किसी का चेहरा, पद, रुतबा, प्रतिष्ठा, धन संपदा आदि को देखकर। देखा जाए तो भारत को आजाद हुए 8 दशक पूरे होने को आ रहे हैं। 2-3 सालों में 8 दशक पूरे हो जाएंगे। इन 8 दशकों में हम कितने आत्मनिर्भर हुए हैं, ये बात सभी जानते हैं। इस बात को सभी भली बात जानते हैं कि 8 दशकों में हम कितने आत्मनिर्भर हुए हैं। मुगल या ब्रिटिश काल था जब हम गुलाम थे। गुलामी के दौर में बनाए गए कानून, रीति रिवाज, भवनों आदि को लेकर आज भी हम उन्हें अंगीकार किए हुए हैं। इन 8 दशकों में भी हम आज देश के पहले नागरिक के लिए अपना स्वदेशी आवास या उनका कार्यालय तैयार नहीं करवा पाए। आज आए दिन हमारी इन्हीं बातों का उपहास उड़ाया जाता है कि हम गुलामी और दासता के प्रतीकों का आत्मसात किए हुए। आपको याद होगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के द्वारा अभिनीत एक चलचित्र 1983 में आया था, जिसका शीर्षक था, जिसका नाम था, जिस फिल्म का नाम था कि
ये अंधा कानून। आवाज के जादूगर किशोर कुमार ने आनंद बख्शी के गीत ये अंधा कानून है को आवाज दी। टी रामा राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पुलिस राजनेताओं के गठजोड़, कोर्ट कचहरी, सुनवाई, फैसले, सब कुछ फिल्माया गया था। इस में एक गाना था, इस गाने के बोल थे अस्मत लुटी चली गोली, इसने आंख नहीं खोली। इस तरह के गूढ़ार्थों वाले वाक्यों ने आम जनता का दर्द, उसकी हालत सभी के सामने रख दी। आगे के बोल थे, अस्मतें लुटी चली गोली, इसने आंख नहीं खोली, इसके लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके साथ सही, पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे लिखता है। इस गीत को 1983 में आम लोगों के समक्ष लाया गया था। विडंबना ही कही जाएगी कि इसके बाद साल दर साल सरकारें आती रहीं जाती रहीं, हुक्मरान बदलते रहे, कैलेंडर के महीने और साल फड़फड़ाते हुए बदलते रहे, नहीं बदले तो सिर्फ हालात नहीं बदले। इस गीत को गाने वाले किशोर कुमार, फिल्म को बनाने वाले, निर्देशित करने वाले टी रामा राव दुनिया में नहीं है, पर 41 साल बाद ही सही मायने में देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश ने सांकेतिक बदलाव के कदम उठाए तो सही, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज कानून की देवी में की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ में तलवार के स्थान पर कानून की किताब, संविधान की किताब ले ली है। उम्मीद है तो है कि इस बदलाव की बयार इससे कुछ बहस सके, किंतु आम लोगों की धारणा है कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर जूतियां घिस जाती हैं, पर न्याय शायद ही मिल सके। इस धारणा को बदलने की आज जरूरत है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब तक जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, चाहे वे किसी हाई कोर्ट के रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, वे कभी ना कभी किसी न किसी जिला अदालत का हिस्सा जरूर रहे होंगे, और वे जिला अदालतों पर, जिला स्तर पर मुकदमा के बोझ से अवगत होंगे, वे बेहतर उसे समझ सकते होंगे। 1983 के बाद 1993 10 साल बाद एक और फिल्म आई, राजकुमार संतोषी के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया था। सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री इसमें लीड रोल में थे। उस फिल्म का नाम था दामिनी। दामिनी का एक डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, और वो डायलॉग था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुकदमों के निपटारे के लिए भले ही फास्ट ट्रैक अदालतें हों, पर तारीख मिलने से मुश्किलों को शायद मुफ्ती नहीं दिखाई। क्या देश के हुक्मरानों को जिला अदालतों के अंदर चल रहे इस झोलझाल का पता नहीं? क्या वे नहीं जानते कि सड़कों से लेकर न्यायालयों तक कदम कदम पर कानून की किरदार कशी किस तरह की जाती? जगह जगह कानून मौन रहकर, या यूं कहा जाए कि तमाशा बीन बनकर खड़ा हो जाता है। पुलिस की वर्दी की आड़ में उगाही, चौथ वसूली, उत्पीड़न किस तरह जाए? देश का युवा आज नशे की जद में किस तरह समाता जा रहा है? नेताओं अफसरों की तिजोरियां, नोटों की गड्डियां उगलती जा रही है, फिर भी देश में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा आखिर कैसे किया जाए? देश की 18,000 से ज्यादा अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा प्रकरण लंबित, तब न्याय की देवी किस तरह जड़वत खड़ी रहे? न्याय की देवी अगर इस तरह जड़वत खड़ी रहे तो इससे क्या माना जाएगा? कुल मिलाकर कहने को अब कानून अंधा नहीं बचा है, पर देश के नीति निर्धारकों को न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आंखों से पट्टी हट गई है तो ये कहा जा सकता है कि कानून अंधा नहीं, पर नीति निर्धारकों को भी अपनी आंखों से
तरह तरह की जो पट्टियां बंधी हैं उन्हें भी उतारने की जरूरत है। लिमटी की लालटेन के 671वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन सहित अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं, आपको ये खबरें कैसी लगती हैं। लिमटी की लालटेन का 672वां एपिसोड लेकर बहुत ज्यादा आगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।